नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैन जी पे। इस चैनल में हम न्यूज़, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था वो एक लाइव स्ट्रीम सेशन था जहां हम सारे क्वेश्चंस जैसे कि डेटा एंट्री, फ्रॉड, एयरलाइन जॉब्स, इन चीज़ों के बारे में एक लाइव सेशन हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। आप जान सकते हो क्या क्वेश्चंस थे सबके और सॉल्यूशंस क्या हमें मिले। ऐसे लाइव सेशंस जो है रेगुलरली चलते रहेंगे आगे भी। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की स्थिति है और सबसे बड़ी समस्या जो अभी हुई है वो है कि जॉब वैकेंसीज जो है वो ज़्यादा है नहीं, और इन समय में इस समय हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में ही हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहली बात जो रहेगी कि इस समय जो है कि जॉब वैकेंसीज क्योंकि कम है, पुराने जितने जॉब्स थे ऑफलाइन जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं। तो हम बात कर रहे हैं इन्हीं जॉब्स के बारे में जो जॉब्स ऑफलाइन बेस्ड जॉब्स थे जो बंद हो चुके हैं। तो जो लोग इस जो स्टूडेंट्स हो या फिर जो लोग जॉब खोज रहे हैं इस समय, उनसे यही उनके पास एक ऐसा मौका है अभी कि वह स्ट्रेटेजाइज कर पाए कि किन किन जगहों पे वो खोजे जॉब्स और सबसे बेस्ट जॉब्स उन्हें मिले, कहाँ कहाँ उन्हें खोजना चाहिए, हम इस पे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। और लॉकडाउन ख़त्म होने के साथ साथ, ये कोरोना वायरस समाप्त होने के साथ साथ, बेस्ट एंड बेस्ट जगहों पे अप्लाई कर सके। साथ ही हमें ये भी नहीं पता कि जो है इन द स्पैन ऑफ टाइम हमें कुछ ऐसे भी जॉब्स मिल सकते हैं जो वर्क फ्रॉम होम बेसिस इसी लॉकडाउन के मोमेंट पे भी मिल सके। इसलिए हमें जो है स्ट्रेटेजाइज करके किस किस जगहों पे, किन किन जगहों पे जो है हमें जॉब्स के बारे में खोजना चाहिए, इसी पे आज हम बात करेंगे। तो जो प्लेटफॉर्म्स रहेंगे, मतलब तो पहला जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूँगा वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वो एक प्रोफेशनल पोर्टल है, प्रोफेशनल वेबसाइट है जहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है, और वहाँ जितने कंपनीज होते हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ है, इवन कंपनी प्रोफाइल भी रहता है। तो आप डायरेक्टली जो है कंपनी के एचआर या फिर मार्केटिंग जो है हेड, उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आगे आपको दोनों प्लेटफॉर्म यानी कि कंप्यूटर और मोबाइल में किस तरीके से जो जॉब्स या फिर पकड़ लीजिए पोस्ट, जॉब एड्स किस तरीके से सर्च करते हैं लिंक्डइन में, वो आप आगे जो है वीडियो में देख पाओगे। तो सबसे पहला जो है वो है लिंक्डइन। अब दूसरा जो सबसे अच्छा रहेगा वो है नौकरी। नौकरी में भी आप जो है अपना प्रोफाइल बना सकते हो, और ये जो प्रोफाइल बनाने की जो बात कह रहा हूँ, अगर जिन लोगों को पता नहीं किस तरीके से प्रोफाइल बनाया जाता है इन सब जॉब पोर्टल्स में, तो आगे मैं इस चैनल में ऐसे वीडियोस देता रहूँगा आगे। और सेकंड है जिसके बारे में बात कर रहा था वो है नौकरी। तो नौकरी में प्रोफाइल बना सकते हैं और लोकेशन, स्किल्स और जॉब डेसिग्नेशन के मुताबिक आप अपना जो है जॉब सर्च कर सकते हो। तो ये नौकरी में फिर भी एक समस्या वो होती है, सबसे बड़ी समस्या लिंक्डइन में थोड़ा कम रहता है कि फ्रॉड जो कंपनीज है वो ज़्यादा असाइन करती नहीं है, मगर नौकरी का बात मैं जैसे ही ला रहा हूँ उसी के साथ आ जाता है कि फ्रॉड कंपनीज भी यहाँ अपना जॉब पोस्ट करती है। तो हमें जो है जेन्युइन जॉब है कि नहीं और फ्रॉड जॉब है कि नहीं है, इसे जो है इसको थोड़ा सा जो है इसमें रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में मैं आगे वो भी दिखाऊंगा। मैंने क्या कहा कि मैं आपको आगे वीडियो में कैसे डेस्कटॉप और मोबाइल के थ्रू जॉब सर्च करते हैं वो दिखाऊंगा, और साथ ही ये भी दिखाऊंगा कि जैसे कि नौकरी या फिर पकड़ लीजिए इन तरीके के जो जॉब पोर्टल्स हैं, इनमें जो फ्रॉड जॉब्स रहते हैं उनको कैसे नेगलेक्ट किया जा सकता है, ये भी मैं दिखाऊंगा। इसे अगर इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर बात करें तो पकड़ लीजिए इंडीड है, मॉन्स्टर जॉब्स है, टाइम्स जॉब है, इन सब में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड जो है, इंडीड में हमें बहुत समझ के करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा फ्रॉड जॉब्स उसमें रहती है, फ्रॉड जॉब पोस्ट रहती है। तो जितने सारे और सारे हैं जैसे कि पहला लिंक्डइन, दूसरा नौकरी, उन्हें छोड़ के मॉन्स्टर जॉब्स, टाइम जॉब और इंडीड, इन सब में जो है हम साथ ही में जॉब खोज सकते हैं। इसके बारे में भी जो है थोड़ा बहुत मैं आपको अपना डेस्कटॉप, अपना जो लैपटॉप है वो शेयर करके, आपको लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। तो चलिए लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको एक के बाद एक जो पोर्टल्स है उनमें किस तरीके से जॉब एड सर्च करते हैं उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों, अभी आप
जैसा आ चुके हो, ये मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है जो मैंने शेयर कर दिया है। और सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हो, ये लिंक्डइन मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है। तो आपको मैं दिखाना चाहता था कि लिंक्डइन में किस तरीके से आप जॉब सर्च कर सकते हो। पहले मैं थोड़ा बहुत जो है आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ, मेरा व्यू प्रोफाइल। तो ये लिंक्डइन का प्रोफाइल है, ऊपर देखिए IL लिखा हुआ है, ये लोगो है लिंक्डइन का। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का प्रोफाइल बनता है। तो प्रोफाइल हम कैसे बनाते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में जो है दिखाऊंगा। तो ये मेरा प्रोफाइल है, मगर हम जो एम्फसिस कर रहे थे वो कैसे जॉब सर्च करते हैं इस समय, आप किस तरीके से कंपनीज के बारे में जान पाओगे। ये देखिए इधर साइड में मैसेजिंग सर्विस भी है, एक बढ़िया पोर्टल है जहाँ पे आप सब कुछ सर्च कर सकते हो। तो पकड़ लीजिए आप HR जॉब सर्च कर रहे हो, ये देखिए जॉब्स दिया हुआ है, पीपल जॉब्स कंटेंट कंपनी स्कूल्स ग्रुप्स। तो पकड़ लीजिए HR जॉब्स आप खोज रहे हो, आपने सर्च मारा तो जॉब्स के हिसाब से आप खोजना चाहते हो, आपने क्लिक मारा जॉब्स पे। तो ये देखिए यहाँ पे सिटी, जैसे कि पहले ये देखिए अप्लाई करने का ऑप्शन डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ये पहला है। उसके बाद दूसरा इस पे क्लिक करें तो ये देखिए KUS सॉफ्टवेयर कोलकाता। तो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं, इवन लोकेशन बेस्ड भी हम सर्च कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट है जहां आप डायरेक्ट जो है जो HR है वहां के कंपनी के उनसे बात भी कर सकते हो। यहाँ देखिए 22 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है इस तरीके का प्रोफाइल बनाना पड़ता है, ये देखिए व्यू प्रोफाइल। तो प्रोफाइल एक बनाने के बाद आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। जितना अच्छा आपका प्रोफाइल स्ट्रेंथ होगा उतना अच्छा, उतना आपके आपके जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लिंक्डइन में करते हैं, सेम चीज मैं नौकरी में दिखा रहा हूँ आपको। तो नौकरी में जैसे कि ये मेरा प्रोफाइल है, अब प्रोफाइल थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, तो इस तरीके का प्रोफाइल है। और ये डेस्कटॉप में लैपटॉप व्यू है जो मैं दिखा रहा हूँ, डेस्कटॉप व्यू। और मोबाइल मैं आगे देख पाएंगे आप मोबाइल में भी किस तरीके से दिखता है। तो चलिए जॉब में चलते हैं सबसे पहले। तो सर्च जॉब्स, तो पकड़ लीजिए सेम चीज HR देखना है। इधर देखिए लोकेलिटी भी दिया हुआ है, पकड़ लीजिए कोलकाता, मैंने कोलकाता दिया HR। सर्च कीजिए, ये देखिए एक के बाद एक आपको जो है दिख जाएगा जॉब एड्स। तो इन जॉब एड्स को देख के आपको अप्लाई करना है एक के बाद एक। अगर आपका प्रोफाइल बना हुआ है इस तरीके से तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। और जो मैं बात कर रहा था कि कोई भी कंपनी फ्रॉड है, क्योंकि नौकरी में हम गए इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी अगर फ्रॉड है या जेन्युइन है ये जानना है। तो जैसे कि ये कंपनी है ASA HR मैनेजमेंट, इसको ले ले, से कॉपी करे और एक बार गूगल में सर्च करे, गूगल रिव्यूज देखे आपको मिलता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए नौकरी में दिया हुआ है, उनका कोई वेबसाइट बेसिकली नहीं है। तो जितने रिव्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं उसे फॉलो करे और जेन्युइन और फ्रॉड के बारे में फाइंड करने की कोशिश करे। इस तरीके से आप लिस्ट करे इस टाइम पीरियड में और अच्छे कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से यह है, ये था लैपटॉप व्यू, अब मतलब डेस्कटॉप व्यू। अब आगे चलते हैं और मोबाइल व्यू आपको दिखाता हूँ। आप आ चुके हो मेरे मोबाइल पे, तो मोबाइल पे सबसे पहले हम जाते हैं लिंक्डइन में। जैसे कि लिंक्डइन यहाँ दिया हुआ है, आगे बढ़ता हूँ। तो ये रहा प्रोफाइल, और मेरा प्रोफाइल आपको एक बार ही दिखा देता हूँ, व्यू प्रोफाइल। जैसे कि हमने डेस्कटॉप व्यू देखा था, ये है मोबाइल व्यू। तो ऐसे हमको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको आगे वीडियोस में आप देख पाओगे किस तरीके से प्रोफाइल बनता है। अब जाते हैं सबसे पहले आपको फिर से यही पे, ये देखिए फिर से सेम चीज़ यहाँ पे, पीपल जॉब्स कंटेंट कंपनी स्कूल आपको दिख रहा है और ग्रुप्स। तो यहाँ आप क्या कहते हैं जो कॉलीग्स होते हैं मैं एम्प्लॉइज़ वेरियस कंपनीज़ के, उनके ग्रुप्स भी यहाँ बना सकते हो। तो HR जॉब्स फिर से एक बार ही आपको दिखाता हूँ। तो HR जॉब्स आपने लिखा,
तो ये देखिए मैक्सिम इंटीग्रेटर पहला, दूसरा, सारे जॉब्स जो है ये देखिए एक के बाद एक जॉब्स जो है वो आ रहे हैं। आप जो है लोकेशन बेसिस पे जहाँ जहाँ अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो, और इसके लिए आपको एक प्रोफाइल अच्छे से बनाना पड़ेगा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे आगे वीडियोस में जो है। आगे मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं किस तरीके से प्रोफाइल बनाया जाता है, प्रोफाइल स्ट्रेंथ किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, वो वीडियोस आगे लाऊंगा। तो इस तरीके से पकड़, तो कुछ इस तरीके से लिंक्डइन में जॉब सर्च किया जाता है, एचआर जॉब्स ही नहीं हर तरीके के जॉब्स। अब चलिए नौकरी में चलते हैं। तो ये है नौकरी का मोबाइल पोर्टल, और यहाँ ये जो है ये मेरा प्रोफाइल, तो कुछ इस तरीके से प्रोफाइल बनाना पड़ेगा ताकि आपका जो है सीवी वहाँ अपलोडेड रहता है और आपका जो है रेज्यूमे जो दिया हुआ रहेगा। तो प्रोफाइल बनाना इसलिए ज़रूरी है कि प्रोफाइल बनने से एक बढ़िया तरीके से जो है प्रेजेंटेशन हो जाता है आपका, और जिससे कि आपका जो सीवी है वो ज़्यादा चांसेस है कि सबसे पहले पेश हो, मतलब उनके पास पहले पहुंचे। तो यहाँ पे अगर आपको जॉब खोजना है तो ये देखिए सर्च में आपने मारा, ये देखिए लोकेशन वाइज सेम चीज़ एचआर और कोलकाता आप अगर लिखे और सर्च जॉब्स में मारे तो इस तरीके से फिर से जैसे कि मैंने डेस्कटॉप व्यू आपको दिखाया था अपने लैपटॉप पे, तो उस तरीके से आया है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि गूगल में किस तरीके से सर्च कर ले जेन्युइन और फ्रॉड, वो सर्च कर सकते थे, तो कुछ इस तरीके से मोबाइल में हम सर्च करते कर सकते हैं। और दोनों में जो है आपको प्रोफाइल बनाना है, मतलब आप मोबाइल के थ्रू भी प्रोफाइल बना सकते हैं और लैपटॉप में भी या डेस्कटॉप में भी मोबाइल बन। तो दोस्तों होप आपको इस वीडियो से जो है मदद मिली है, और आगे जो है आपका कोई भी सवाल रहेगा इस चीज़ में तो आप ज़रूर कमेंट करें YouTube में। आप मेरे Facebook पेज में जा सकते हो, Facebook पेज में मैसेज भी कर सकते हो, मेरे Facebook पेज का डिटेल जो है वो नीचे दिया हुआ है, वहाँ जाए और आप मैसेज कर सकते हो, इवन YouTube वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो। तो कोई भी सवाल रहे पकड़ लीजिए, इन जॉब्स को कैसे सर्च किया जाता है, या फिर पकड़ लीजिए प्रोफाइल किस तरीके से बनाया जाता है, या फिर प्रोफाइल बनाने के टाइम में कोई समस्या हो रही है, ये सारे चीज़ें आप मुझे बता सकते हो। और आगे जो है वीडियोज़ में जिन लोगों को प्रोफाइल बनाने कि जो प्रक्रिया है वो पता नहीं है, आगे वीडियोस आएंगे आप वो देख सकोगे। और होप ये जो अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है वो जितनी जल्दी हो सके समाप्त हो जाए, हम कोरोना वायरस के संकट से उभर जाए, इसीलिए हमें जो है हम सबको जो है जितना ज़्यादा हो सके घर में आवश्यक काम न रह काम को छोड़ के मतलब आवश्यक काम के लिए ही बाहर जाए, उससे ज़्यादा बाहर न जाए, घर में रहे, स्टे होम स्टे सेफ। आज के लिए किशोर की तरफ से टाटा।